हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी रेसिपीज। अब देखिए, गर्मी का दिन आ गया है और गर्मी के दिनों में जूस बहुत बनते हैं। मौसमी का हो, ऑरेंज का हो, पाइनएप्पल का हो, या और भी अनार का जूस हो, मैंगो का जूस हो, तो अब जूस इस मौसम में तो हम बहुत बनाते हैं। तो आज हम मौसमी का जूस बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मौसम्बी का जूस। जिस जगह आपको जूसर फिट करना है वहाँ पे थोड़ा ड्राई रखिए। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे रखा और ये जो बटन है इसको ऐसे ऐसे घुमा दिया तो ये बिल्कुल सेट हो गया। देखिए, हिल नहीं रहा अपनी जगह से, एकदम इसने पकड़ मजबूत कर ली है। तो आप इसमें जितना जूस बनाओगे बिल्कुल सेट हो गया। अब इसका हर एक पार्ट है ना, इसका हर एक पार्ट खुलता है, तो आप अंदर से बाहर से अच्छे से साफ कर सकते हैं। इसको यहाँ से अंदर से फिट करेंगे, ये हैंडल हमें लगाना है और ये स्क्रू है। देखिए, इस तरीके से हम घुमाकर इसका हैंडल लगा लेंगे। ये हैंडल हमने लगा लिया है। ये एक पॉट मिला है जिसको हम यहाँ पीछे लगाते हैं। देखिए, यहाँ पीछे यहाँ पर इसे फिट कर देते हैं। तो यहाँ से जो भी हमने जूस निकालने के लिए फ्रूट डाला है उसका जो है जूस इधर से निकलेगा, एक्स्ट्रा पार्ट इधर निकल जाएगा। और ये होता है एक हैंडल जिससे हम इसको फ्रूट को दबाते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं मौसम्बी का जूस। तो मौसम्बी का जूस निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका छिलका हटाना पड़ेगा। इसका छिलका हटा देते हैं। ये देखिए, मौसम्बी का हमने छिलका हटा लिया है। चलिए अब इसका जूस बनाते हैं। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से काट लेंगे। एकदम बीज से काट लेंगे ताकि इसके जो बीज हैं वो बीज दिखाई देती हैं अच्छे से। अब ये बीज हम हटा लेंगे। देखिए, बीज हटा लेंगे। और कभी गलती से एक हाथ बीज इसमें चली भी गई ना, तो ये जो है जूसर, इसमें ये बीजें क्रश नहीं होती। अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। और मैं आपको जूस निकाल के दिखाऊंगी कि कैसे इसमें जूस आगे निकलता है। इसका जो है ये, इसके छिलके जो है ना, ये सारे पीछे स्टोर हो जाते हैं। बीजों का स्वाद है ना, बहुत ही कड़वा लगता है। तो जितना हो सके हम तो निकाल लेंगे, और अगर इक्का दुक्का इसमें अगर रह भी जाता है तो इसमें क्रश नहीं होता। मैंने एक मौसम्बी को इसमें डाल दिया है। अब ये जो हैंडल है अपने पास, इसको ऐसे ऊपर रखेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा हम इसको अंदर प्रेस करते रहें। और इसको, ये जो है हैंडल, इसको हमें ऐसे सीधा घुमाना है। ये ऐसे इसको ऐसे दबाते जाना है और इसको घुमाते जाना है। और क्योंकि ये बहुत अच्छे से इसमें फिक्स हो गया है, इसलिए इसे घुमाना भी आसान हो जाता है। देखिए, कितने आसानी से इसका जूस भी बन गया। और ये जो पीछे है ना इसके छिलके, ये पीछे इस वाले पॉट में स्टोर होते। देखिए आप, इसमें ओनली जूस जूस आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही बढ़िया एकदम फ्रेश मौसम्बी का जूस तैयार है। अब देखिए, इसे वॉश करना भी कितना आसान है ना।
ये पीछे का नट हटा दिए, इसका हैंडल बाहर आ जाता है और देखिए इसे हमने ऐसे निकाल लिया है। इसमें जो बचा है छिलके हटा देते हैं। और ये पीछे इसके देखिए ये छिलके जमा हो जाते हैं, इसे भी हम हटा सकते हैं। अब देखिए इसको हमने इसे रिवर्स खोल दिया तो ये कितनी आसानी से हिल गया। पहले ये हिलता नहीं था, ऐसे है ना टाइट बंद करो तो, और अब ये आसानी से खुल गया है। और यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ से आराम से पानी की तेज़ बौछार डाल दिए, यहाँ से डाल दिए, बैक साइड से डाल दिए, ये पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है। और इस तरह से इससे जो है ना हमें जूस बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसे हम वॉश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आपको अगर यूज़फुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।